नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। यदि आप भी यह गलती करते हैं तो बेरोजगारी भत्ता की पात्रता लिस्ट से हो जाएंगे बाहर और आपको जो है बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यह गलती मत करना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा 26 जनवरी 2023 को एक महत्वपूर्ण घोषणा किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के शिक्षित पात्र जो बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही गई थी। और घोषणा के आधार पर छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें से अप्रैल और मई का किस्त जारी हो चुका है और प्रति माह 2500 रुपये दिया जा रहा है। यह बेरोजगारी भत्ता एक वर्ष के लिए दिया जा रहा है। यदि एक वर्ष की अवधि में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं युवा का किसी लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, अर्थात स्वरोजगार नहीं मिल पाता है, तो बेरोजगारी भत्ता एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। मतलब यदि आपको किसी प्रकार की कुछ रोजगार नहीं मिलता है तो आपको जो बेरोजगारी भत्ता एक साल तक मिलना है वो 2 साल तक मिल सकता है। उसके बाद देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं को कौशल परीक्षा दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई युवा बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्र हो जाता है तो उन्हें प्रतिमाह 2500 दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा शासकीय एवं निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर भी दिया जाएगा। देखिए, अब यदि आप क्या करते हैं, अगर आप ऑफर ठुकराते हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए तो क्या हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण से बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु जारी जो मार्गदर्शिका जारी किया गया है उसमें आप एक पॉइंट देखेंगे जो अपात्रता की शर्तें उल्लेखित है, उसमें बिंदु 5.3 के अनुसार यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हितग्राही को स्वरोजगार या शासकीय या निजी क्षेत्र के किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता ही शासन द्वारा इसलिए दी जा रही है कि रोजगार प्राप्त होने तक बेरोजगार युवा सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। सरकार कौशल प्रशिक्षण भी के द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दी जाएगी और जो है नौकरी भी। यदि नौकरी करने से इनकार करेंगे तो बेरोजगारी भत्ता के लिए आपको अपात्र कर दिया जाएगा और आपको जो है बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर देगा। तो दोस्तों, यदि आपको जो है रोजगार कार्यालय से यदि ऑफर आ रहा है, प्रशिक्षण के लिए आ रहा है, जॉब के लिए ऑफर आ रहा है, तो आप अगर उसको मना करते हैं तो जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यही जानकारी देना था आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। यदि और कुछ भी नया अपडेट आता है तो तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दिया जाएगा। तो शिक्षा और एजुकेशन से जो जॉब और एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।